ये बात मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा कि बीजेपी के अध्यक्ष जो चेंज हुए हैं वो बीजेपी के अंदर गुटबाजी का नतीजा है। सभी को पता है कि मनोहर लाल खट्टर जी और धनखड़ साहब की नहीं बन रही थी काफी लंबे समय से। जो मीडिया के लोग लगातार कांग्रेस में गुटबाजी की बात करते हैं, उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आज भारतीय जनता पार्टी में ऐसी गुटबाजी है कि लोग कह रहे थे कि या तो खट्टर साहब रहेंगे और या धनखड़ साहब रहेंगे, लेकिन नतीजन आज धनखड़ साहब को भाजपा ने जो है एक कुशल संगठन कार्यकर्ता थे, क्योंकि एबीवीपी से उन्होंने अपना सफर शुरू किया था, आज भाजपा ने उनको हटाकर एक डमी व्यक्ति को जो है प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। हम तो उनको नई इस जिम्मेवारी पर शुभकामनाएं देते, लेकिन गुटबाजी के नतीजे आज धनखड़ साहब की कुर्सी जो है वो चली गई। गुटबाजी तो ये बात मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा कि बीजेपी के अध्यक्ष जो चेंज हुए हैं वो बीजेपी के अंदर गुटबाजी का नतीजा है। सभी को पता है कि मनोहर लाल खट्टर जी और धनखड़ साहब की नहीं बन रही थी काफी लंबे समय से। जो मीडिया के लोग लगातार कांग्रेस में गुटबाजी की बात करते हैं, उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आज भारतीय जनता पार्टी में ऐसी गुटबाजी है कि लोग कह रहे थे कि या तो खट्टर साहब रहेंगे और या धनखड़ साहब रहेंगे, लेकिन नतीजन आज धनखड़ साहब को भाजपा ने जो है एक कुशल संगठन कार्यकर्ता थे, क्योंकि एबीवीपी से उन्होंने अपना सफर शुरू किया था, आज भाजपा ने उनको हटाकर एक डमी व्यक्ति को जो है प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। हम तो उनको नई इस जिम्मेवारी पर शुभकामनाएं देते, लेकिन गुटबाजी के नतीजे आज धनखड़ साहब की कुर्सी जो है वो चली गई। गुटबाजी तो